नमस्कार। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भूज के मैकेनिकल डिपार्टमेंट के तीसरे सेमेस्टर के जो लड़के हैं उन सभी को कंप्यूटर एडेड मैकेनिकल ड्राफ्टिंग के वर्क में मैं स्वागत करता हूं। कोरोना महामारी की वजह से अभी हम फेस टू फेस नहीं मिल पा रहे हैं और ये बेसिकली हमने लेबोरेटरी का सब्जेक्ट है, लेकिन अभी हमें ऑनलाइन ऐसे ही पढ़ना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ जो सिखाता हूँ आप ज़रा देखते रहिए और बाद में अगर आपके पास सुविधा है लैपटॉप की या डेस्कटॉप की तो उसमें आप इसकी प्रैक्टिस भी करते रहिए। देखने से आपको नॉलेज मिलेगा और हाथों से काम करने से आपकी स्किल भी आ जाएंगी। पिछली बार में हम यहाँ जो ऑटोकैड इंटरफेस देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसमें ड्रॉ कमांड देख रहे हैं। इसमें मैंने लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क और ये यहाँ रेक्टेंगल और साथ में बाजू में पॉलीगॉन ये और साथ में ये टेक्स्ट मल्टी लाइन सिंगल लाइन टेक्स्ट ये सब कमांड जो ड्रॉ बनाते हैं एंटिटी ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है उसमें से वो सिखाया था। और मैंने टाइटल ब्लॉक ड्रॉ करने के लिए आपको दो मॉडिफाई वाले कमांड भी सिखाए थे, एक था उसमें से ऑफसेट और एक था आपको ट्रिम। थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं सब कमांड को मिला के और बाकी आगे क्या होता है वो देखते हैं। आपको मैंने पॉलीगॉन कमांड सिखाया था, ये पॉलीगॉन, तो पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स पूछते हैं पॉलीगॉन कमांड के बाद, तो हम तीन देते हैं तो पूछते हैं स्पेसिफाई सेंटर, लेकिन मुझे एज वाला चाहिए समझो, तो एज करता हूँ और यहाँ मैं क्लिक करता हूँ कहीं पर और बाद में सेकेंड पॉइंट के लिए जा रहा हूँ इधर, लेकिन मुझे अभी ऑर्थो चल रहा है तो मैं यहाँ ऑर्थो ऑन करता हूँ और ये जा रहा हूँ और बोलता हूँ कि ये जो कमांड है वो मुझे 250 लेंथ की आकृति चाहिए, तो 250 वाला एक ट्रायंगल मुझे बना के दे देता। तो ये इस हिसाब से बन रहा है। बाद में मैंने आपको सर्कल कमांड भी सिखाया था, सर्कल में भी काफ़ी प्रकार है, उसमें से अच्छे कमांड ये हैं, ये समझो थ्री पॉइंट, तीन पॉइंट वाले दबाएंगे तो आप तीन पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, एक दो और तीन, तो इसे तीन पॉइंट में से पास होने वाला सर्कल बनता है। और एक ये भी इंटरेस्टिंग कमांड है 10 10 10, तीन लाइनों को स्पर्श करेंगे ऐसी रेखा बनानी है अगर, तो हम ये क्लिक करेंगे और बाद में तीनों लाइनों को अगर टच करेंगे 1 2 3 तो ये भी बन जाता है, तो इसे हमारा ये आकार बन गया। इसके साथ साथ मैंने आपको ट्रिम कमांड भी सिखाया था। ट्रिम कमांड यहाँ से होता है, ट्रिम दबाने से यहाँ पूछता है ट्रिम, तो नीचे पूछता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल को करके मैं सीधा एंटर ही दबाता हूँ तो सिलेक्ट ऑल हो जाता है और बाद में जो जो भी मुझे मिटाना है वो यहाँ से मिटाता रहता है। समझो मुझे जो मिटाना है तो यहाँ मैं मिटा रहा हूँ, समझो ये मिटाया, ये मिटाया, ये मिटाया, यहाँ मिटाया, मुझे संतोष हो गया, मैं एस्केप कर दिया। तो इस हिसाब से मैं ट्रिम भी कर सकता हूँ और अपना मुझे जो आकार चाहिए वो आकार मुझे मिल सकता है। सर्कल में दूसरा एक में ये भी दिखा था कि एकदम सिंपल कमांड भूलना नहीं है, लेकिन जब भी सेंटर रेडियस भी देते हैं तो इसमें आप किसकी सेंटर लेना है, समझो कि ये बीच वाला पोर्शन है उसका सेंटर लेना, तो यहाँ सीधा सेंटर आ जाता है, तो आपको एक सेंटर वाला ऑप्शन भी दिखेगा सेंटर, तो यहाँ क्लिक करेंगे और समझो कि मैं 20 की रेडियस का बना रहा हूँ, तो 20 के रेडियस का ये बन गया। ऑफसेट करना चाहता हूँ, ऑफसेट यहाँ लिखा है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, मैं समझो 10 लिखता हूँ और यहाँ से ऐसे मैं करता हूँ एक बार दो बार तीन बार चार बार, तो इस हिसाब से आकार भी बनते रहते हैं। आपको कुछ भी मिटाना हो बीच में तो इसको मिटाना है, सिलेक्ट कीजिए, कीबोर्ड का डिलीट बटन दबाइए, सिलेक्ट कीजिए, कीबोर्ड का डिलीट बटन दबाइए, ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो ये सब आप पूरा सीख चुके हैं और कैसे बनाए ये भी मालूम है, तो आज मैं आपको दूसरे नए कमांड एंटिटी कमांड सिखाऊंगा। तो यहाँ जो सीख चुके थे 1 2 3 ये सब सीख चुके थे,
अभी मैं आपको यहां ये वाला कमांड है वो सिखाऊंगा, जिसको बोलते हैं हेच। ये हेच मैं क्लिक करूंगा तो नीचे आता है हेच, कमांड का नाम है हेच। पूछता है पिक इंटरनल पॉइंट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, अंडू एंड सेटिंग। अगर इंटरनल पॉइंट सिलेक्ट करेंगे तो सेटिंग के हिसाब से कुछ हैच हो जाएगा, लेकिन हैच एग्जैक्टली क्या है वो पहले समझना जरूरी है। तो मैं अभी यहाँ सेटिंग में जाता हूँ, यह सेटिंग क्लिक करता हूँ तो एक नया डायलॉग बॉक्स मेरे सामने आ जाता है। यहाँ दिख रहा है हैच और ग्रेडियंट। ये पूरा डायलॉग बॉक्स का आप स्टडी करेंगे तो बहुत ही डिटेल में काफ़ी कुछ सुविधा हमें देता है, लेकिन हम पहले एकदम बेसिक चीज सीखेंगे। यहाँ लिखा है प्री डिफाइंड टाइप में और पैटर्न में लिखा है एंगल। वहाँ हम क्लिक करता हूँ बाजू में और वहाँ जाता हूँ तो यहाँ एक आपको सॉलिड का बटन मिलेगा, ये सॉलिड सिलेक्ट करता हूँ और कलर पूछ रहा है अभी नीचे सॉलिड का कलर कौन सा है, तो समझो मैं यहाँ रेड कलर सिलेक्ट करता हूँ। तो ये हेच में बनेगा तो कैसे बनेगा, तो अभी समझो मैं यहाँ बाउंड्रीज एड बाद में पिक पॉइंट लिखा, पिक पॉइंट किया मैंने और यहाँ सिलेक्ट किया, तो ये पूरा लाल कलर का सॉलिड बन गया, जो नीचे का बाउंड्री के बीच का जो पोर्शन है उसमें हम कलर भर दिया है। तो हेच से हम कोई भी जगह कलर भर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं यहां थोड़ी चीज ऐसे बनाता हूं जिसकी वजह से आपको कोई दूसरी दुविधा ना हो। तो ये हेच यहां से भी होता है और मैं सीधा यहां कमांड में भी एच लिखूं, एच और एंटर, तो हेच शुरू हो जाता है। आपको जाना है पहले सेटिंग में, सेटिंग में जाके आपको प्री डिफाइंड है वहां सॉलिड ये दोस्तों सिलेक्ट करते, तो यहाँ कलर आपको दूसरा लेना है। समझो अभी आप यहाँ येलो कलर लेते हैं और यहाँ पिक पॉइंट करते हैं और ये देते हैं, तो यहाँ ये कलर हो गया। सिलेक्ट हो जाने के बाद इसको एंटर दबा दीजिए, अपना काम हो गया। अभी भी हैच दबाना है, हैच क्लिक कीजिए, सेटिंग कीजिए, कलर है ये समझो ग्रीन लगना है, पिक पॉइंट करना है। लगता है मुझे यह कलर अच्छा नहीं लग रहा है समझो, तो आप क्या करोगे, तो फिर से आप उसको कीबोर्ड का एस्केप बटन दबा दीजिए, यहां डबल क्लिक कर दीजिए, तो यहां डबल क्लिक करने के बाद आपकी एक प्रॉपर्टी का बॉक्स आएगा, यहां जाके आप कलर को भी फिर से चेंज कर सकते हैं। आप समझो यहां ब्लू कलर करना चाहते हैं, कर दीजिए और इसको बंद कर दीजिए। एक बार ड्रॉ करने के बाद भी आपको लगता है मुझे कोई कलर चेंज करना है तो आप इसे कर सकते। तो एक ये चीज है कि आप हेच बन रहा है, दूसरी भी चीज है हेच बनाना है तो दूसरे आकार भी बनेंगे। समझो कि मैं यहां स्टार्ट में जाता हूं और अपने यहां एक ये वाला था ड्रॉइंग, ये वाला, चलो ये पढ़ता हूं, और इसमें अलग अलग जगह हम हैच डालते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना जरूरी ये है कि ये कितनी साइज का है, जरा देख लेते हैं। 9 ये 750 की लेंथ का है, मतलब ये 750 बाय 750 का स्क्वायर, और अभी हैच करना है तो यहाँ हैच में दबाता हूँ, हैच। यहाँ जाता हूँ सेटिंग पे। अभी इस बार मैंने हैच के बदले समझो यहाँ ग्रेडियंट लिया, तो ग्रेडियंट करने के बाद वहां बोलते हैं आपको एक कलर का ग्रेडियंट चाहिए या दो कलर का ग्रेडियंट चाहिए। तो मैं बोलता हूँ चलो दो कलर का ग्रेडियंट चाहिए, लेकिन आपको कहाँ चाहिए, तो आप पिक पॉइंट यहाँ वो तो रहता ही है। आप हेच और ग्रेडियंट में जाओ तो ये राइट साइड वाला जो पोर्शन है वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है। यहाँ ये जो कलर दिख रहा है वही चेंज होगा, हेच तो यहाँ टाइप एंड पैटर्न आता है और ग्रेडियंट तो उसमें कलर आता है। तो कलर में आप समझो कि यहाँ जाते हैं ये वाले और ये पिक पॉइंट किया आपने, यहाँ क्लिक किया, तो पिछली बार जो मैंने ड्रॉ किया था यहाँ इसमें सिंगल कलर में कर रहा था, लेकिन यहाँ अभी मैं जो कर रहा हूँ वो डबल कलर कर रहा हूँ, और वो भी एक पैटर्न से ऐसा ग्रेडियंट बनता है। एक कलर है धीरे धीरे वो उसका कलर लाइट होता है, दूसरा कलर डार्क होता जाता है, तो ये भी एक तरीका है हेच का। तो ये हेच बटन की स्पेशलिटी, हेच दबाने के बाद करना क्या आपको, सेटिंग में यहाँ ग्रेडियंट, ग्रेडियंट में ये वाला गया, लेकिन समझो आपको ऐसा पैटर्न चाहिए, तो ये पैटर्न के बाद भी आप यहाँ कलर भी चेंज कर सकते हैं। आपको लगता है कि मुझे अभी कलर दूसरा चाहिए तो यहाँ आप क्लिक कीजिए
आप लाल कलर ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ एड पिक पॉइंट ये दबाइए, ये क्लिक, जहाँ जहाँ छुएंगे वहाँ आएगा, ठीक है। एक मेरे लिए ये काफ़ी है, एंटर कर दिया। फिर से मैं बताता हूँ, यहाँ सेटिंग में जाता हूँ, ग्रेडियंट में जाता हूँ। अब ये वाला नहीं, मुझे ऐसे वाला चाहिए, ऐड करते हैं, यहाँ दे सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी पैटर्न बना के उसकी रंगोली बनाते हैं, और इसको और ना कहीं कैसे भी आप बहुत ही अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। ये हेज पैटर्न कमाल की चीज़ है। आप लोग कोई दूसरी आर्ट की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ वही तय करना है कि मुझे कहाँ क्या क्लिक करना है। ये रहा हमारा वो है, हेज में सेटिंग में जाके अभी यहाँ प्री डिफाइंड था, ये ग्रेडियंट था, ग्रेडियंट में आप समझ गए हैं सेंटर्ड है, और उसका भी एंगल आप चेंज कर सकते हैं। ये सेंटर में कर रहे थे, लेकिन अगर आप सेंटर नहीं रखना चाहते, उसका एंगल कहीं चेंज करना चाहते, तो वो एंगल भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और उससे क्या क्या होगा वो आप खुद प्रैक्टिस करना, मैं ही बता रहा हूँ, क्योंकि वो तो इतनी डिटेल बताने जाऊँगा तो अपना सिलेबस कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन हेच में जो दूसरी चीज़ हमें देखनी है, ये प्री डिफाइंड में हमने ये किया, लेकिन हम इंजीनियर लोग हैं, हम ये रंगोली वाले लोग नहीं हैं। तो सॉलिड के बदले अभी समझो हमें कहीं इतने प्रकार की पैटर्न्स आती हैं, तो इसमें से कोई भी पैटर्न्स आपको कहीं लगानी है। समझो आपने कहीं ब्रिक लगा रहे हैं, तो ब्रिक कैसी होती हैं, ऐसी होती हैं। तो ये ब्रिक अगर आप कहीं लगाना चाहते हैं, और समझो 10 के स्केल में डालना है, और ये मैं क्लिक करता हूँ यहाँ, ठीक है। इसमें आपको अच्छा नहीं लगेगा लेकिन देखने में, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूँ, चलो। कभी भी आप कहीं देखते हैं, कभी कोई शेप बन रहा है, तो शेप में आपको जो भी बीच में डिजाइन डालनी है वैसी डिजाइन वो अपने आप डाल देता है। इसमें अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं दूसरी एक आकृति बनाता हूँ, इसमें आपको देखने में अच्छा लगेगा। यहाँ मैं एक सिंपल रेक्टेंगल बनाता हूँ, रेक्टेंगल क्लिक, दूसरा क्लिक, इसके बीच में ही हम पैटर्न बना के देखते हैं कैसे कैसे पैटर्न हेज से क्रिएट हो सकते हैं। तो हेज दबाने के बाद यहाँ सीधा आपने को ये भी ऑप्शन मिल रहा है, सॉलिड करना है तो ग्रीन है, ये सब आ रहा है, और आपको दूसरी पैटर्न चाहिए तो यहाँ सीधी पैटर्न दिख भी रही है। लेकिन मैं यहाँ विश्वास बहुत कम करता हूँ, यहाँ एक के बाद एक आती है, टाइम बहुत लगता है, हर एक चीज़ का ऑप्शन यहाँ मिल रहा है, लेकिन मैं इसका यूज़ नहीं करता हूँ। मैं ज़्यादातर नीचे जो सेटिंग आता है उसी का यूज़ करता हूँ, वो आसान रहता है। तो यहाँ प्री डिफाइंड में सॉलिड के बदले समझो हम, मैंने बताया था ये बॉक्स करना है, ये ग्रीन कलर का है, उसके बदले हम उसको सिंपल बाई लेयर रख देते हैं, उसका स्केल 1 पर ही रखते हैं, और मैं ओके दबाता हूँ, ठीक है। ओके दबाने के बाद तो आप देखिए कि इसके बीच में ऐसा स्क्वायर बन गया, मैंने जो बनाया था इसके बीच में जो रंगोली करनी, उसकी रंगोली के पैटर्न पहले से सेट थी, वो बीच में उसने ही डाल दी, तो जो मैं मेहनत कर रहा था वो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। तो कभी कभी अगर हमारे पास ऐसी पैटर्न है कोई, उसको कहीं अलग बना के आप डायरेक्ट अपने कापड़ की डिजाइन करते हैं, वो छड़ बनाना चाहते हैं, पिलो कवर बनाना चाहते हैं, उसकी भी पैटर्न यहाँ बना के पेटेंट भी करा सकते हैं, वो अलग बात है, क्योंकि पैटर्न हमारा सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन ये ऑटोकैड की एक स्पेशलिटी है। ये मैं फिर से इसको रिलीज करता हूँ, अभी दूसरी पैटर्न देखते हैं हेज में, हेज सेटिंग, और ये पैटर्न, पैटर्न कितने प्रकार की हैं ये देखिए आप देखेंगे तो इतनी सारी पैटर्न बन रही है। ये सबका मैं डेमो करने जाऊंगा तो आपको मतलब 2 दिन कम पड़ेंगे, लेकिन मुझे सब नहीं करने, लेकिन एक आध में करता रहा हूँ। समझो जिगजैग करते हैं, ये करने के बाद उसका भी स्केल करते हैं, स्केल समझो मैं 10 का करता हूँ, और इसको पिक करता हूँ, तो ऐसी पैटर्न आ गई।
लेकिन अगर मुझे इसमें भी कोई वो लगता है कि मुझे अभी कुछ चेंज करना है, तो यहाँ भी मैं एंगल चेंज कर सकता हूँ, यहाँ 45 कर रहा हूँ और फिर से मैं प्रीव्यू देखता हूँ, तो आप देखिए ऐसा पैटर्न आ गया। अभी इसके सिवाय ये जिगजैग में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, फिर से जाइए, यहाँ नहीं जाना है तो यहाँ भी जा सकते हैं, ये क्लिक करेंगे तो पैटर्न ऐसी दिखेगा। आया कि नहीं आया? हाँ आया आया। तो ये तीन डॉट्स दबाए मैंने, यहाँ ये पैटर्न दिख रहा है, ये पैटर्न के बाजू में आपको जिगजैग ऐसा दिख रहा होगा, पैटर्न के बाजू में जिगजैग, और इनके बाजू में तीन डॉट्स हैं, तीन डॉट्स दबाता हूं तभी ये मेरा ये पैटर्न आता है। तो उसमें कितने प्रकार के पैटर्न है, तो यहाँ अदर प्रीडिफाइंड है, यहाँ आप देखिए मैं धीरे धीरे जाता हूँ तो कौन कौन सी पैटर्न दिखाई देती है। ये सब पैटर्न ऑटोकैड हमें साथ में ही दे रहा है। समझो आपको कहीं लगता है कि मुझे वुड का पैटर्न चाहिए या एकदम वो ग्रेवल का पैटर्न चाहिए, ये ग्रेवल करके आप ओके करते हैं और यहाँ प्रीव्यू देखते हैं, यहाँ ग्रेवल आ जाता है, लेकिन लगता है कि तो बराबर स्केल नहीं है, तो आप स्केल यहाँ 10 का है उसके बदले आप 2 का कर दीजिए और फिर से प्रीव्यू देख लीजिए, तो ऐसे आ जाता है। तो ये जो डायलॉग बॉक्स है हेच एंड ग्रेडियंट का, इसको आप पूरा अच्छी तरह स्टडी कीजिए और अलग अलग ऑप्शन जो है उनकी मदद से जो क्लोज बाउंड्री है उनके बीच में ही ये पैटर्न हम लगा सकते हैं। पैटर्न कहाँ से देखेंगे? यहाँ से देखेंगे। यहाँ भी देखिए एन एस आई, ये स्टैंडर्ड के हिसाब से पैटर्न है, तो इतनी प्रकार के पैटर्न इंटरनेशनल लेवल पे चढ़ती है। ये ISO पे ये प्रकार के पैटर्न भी वो देते हैं। हमारी जो प्री डिफाइंड है ये है, और कस्टम, कस्टम मतलब आप अपनी खुद की पैटर्न भी बना सकते हैं। आपको लगता है मुझे मेरा फोटोग्राफ डालना है, तो आप अपना फोटो भी डाल के यहाँ उसको यहाँ फिट कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं बाद में देखेंगे, अभी इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये हेज पैटर्न आ सकती है, यहाँ भी कैंसिल करेंगे। तो ये हमें यहाँ मिला है। ये प्री डिफाइंड के बाद एक आता है यूजर डिफाइंड, जो आप पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग करते थे उस वक्त आपको BED और MD दोनों में ये आया होगा। तो आप ये देखिए यहाँ ये स्पेसिंग में 10 का रखता हूँ और प्रीव्यू करता हूँ। तो आप जब भी कोई सेक्शन बना रहे थे तो ऐसे सेक्शन लगाते हैं सेट स्क्वायर और टी स्क्वायर की मदद से। अगर ऐसी कोई चीज़ आप करना चाहें तो आप यूजर डिफाइंड से जा सकते हैं। यूजर डिफाइंड में जाना है, ये पैटर्न का कोई मतलब नहीं यहाँ लिखा है, वो सिलेक्ट भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो भी यूजर डिफाइंड है। अगर इसको सिलेक्ट करना है तो आपको यहाँ से प्री डिफाइंड में जाना पड़ेगा। प्री डिफाइंड होगा तभी ये अपने हाईलाइट होगा, अगर यूजर डिफाइंड है तो वो हाईलाइट भी नहीं होगा, यहाँ यूजर डिफाइंड कर रहा हूँ। और उसके बाद आपको कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको समझो कि ये ब्लू कलर में चाहिए, ब्लू कलर कर दीजिए, और ये स्पेसिंग जितना चाहिए वो स्पेसिंग ही यहाँ सेट कर सकते हैं। ये 10 का है, आप समझो यहाँ 15 का करना चाहिए, 20 का करना चाहें तो 20 का करके आप देखेंगे तो ये इसके हेच आ जाए, कलर दिखता नहीं है आपको शायद, तो फिर से हम उसका कलर चेंज कर सकते हैं कि चलो मैं अभी येलो कर देता हूँ। 45 के बदले समझो मैं 30 के एंगल है, या ये 135 पे जाता है तो उल्टी दिशा में भी वो लगा सकता है इस दिशा में। और आपको लगता है मुझे दोनों दिशा में लगना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ डबल कर देना है, डबल करोगे तो दोनों दिशा में लग जाएंगे। तो हेच ऐसा ऑब्जेक्ट है जो क्लोज बाउंड्री के अंदर हमें जैसी पैटर्न चाहिए या सॉलिड फिल चाहिए या ग्रेडियंट चाहिए वो बना के हमारी ड्राइंग को एकदम अच्छी बनाता है, हाईलाइट करता है। और इसके द्वारा हम हमारे ड्राइंग में जो भी इंजीनियरिंग आस्पेक्ट है वो भी दिखा सकते हैं और एस्थेटिक आस्पेक्ट भी दिखा सकते हैं। तो ये हेज पैटर्न की एक विशेषता थी, ठीक है। तो यहाँ इससे हेज ड्रॉ होता है, इसमें भी यहाँ हेज है, ग्रेडियंट है, बाउंड्री है, सब अलग अलग भी उसने ऑप्शन दिए हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो हेज ये सेटिंग वाला ही ऑप्शन आएगा। तो एक ये आपको सीखना था, ठीक है। तो हेज कमांड में यहाँ अभी खत्म करता हूँ, ये हेज हो गया। अभी हेज के बाद दूसरे जो कमांड है उसके बारे में जरा सोचेंगे। अभी ये जो हमने बनाया है उसकी समझो हम कॉपी बनाना चाहें, अभी मैं थोड़ा मॉडिफिकेशन में जा रहा हूँ। तो मैंने आपको ये ऑफसेट सिखाया था और ये ट्रिम सिखाया था, अभी मैं आपको यहाँ कॉपी कमांड एक बार मैंने डेमो किया था, फिर भी यहाँ देखा कि कॉपी कमांड है। ये कॉपी क्लिक करने के बाद
यहां मुझे पूछता है कॉपी में सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो मुझे सिलेक्ट करना है तो ये पूरे का पूरा यह सिलेक्ट कर लेता हूं। अभी पूछ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, वो तो खत्म ही नहीं हो रहा है नीचे पूछने का काम। तो मुझे अभी मुझे कुछ सिलेक्ट नहीं करना है, तो मुझे कीबोर्ड से एंटर दबाना है या माउस को राइट क्लिक करके सिलेक्शन ले लेना, तो हो गया सिलेक्शन मेरा। ठीक है, अभी पूछ रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, तो मैं कहीं पे स्पेस एक बेस पॉइंट दिखा रहा हूं, और इसके बाद मैं और इसको धीरे धीरे मूव करता हूं तो यहां दूसरी कॉपी बन गई। ठीक है, तो एक बार आपने एक चीज बना ली उसके बाद में उसकी कॉपी वो क्रिएट आसानी से कर लेगा, हमें और कोई जरूरत नहीं है। और ये क्रिएट हो जाने के बाद आपको लगता है कि मुझे अभी कलर में थोड़ा रिवर्स करना है, क्या करना है, तो यहाँ येलो वाला है उसको ब्लू और ब्लू वाले को येलो करना है, तो येलो वाले को क्लिक कीजिए, यहाँ येलो है वहां ब्लू कर दीजिए, ये ब्लू वाला है उनको क्लिक करके यहाँ येलो कर दीजिए, ये रेड है उनको क्लिक करके आप समझो आप ग्रीन कर दीजिए। तो आपने इसी कॉपी की और बाद में नई कॉपी थी उसमें आपने कलर चेंज करके नया एक आइटम बना दिया। अभी आपको लगता है कि मैंने ये जो बनाया उसके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा हो गई, मुझे स्पेस ऐसे नहीं रखनी थी, एक के ऊपर दूसरा दिया रखना है, तो उनके लिए हम क्या करेंगे। तो उनके लिए मैंने आप पहले भी बताया था कि ये मूव कमांड है, कॉपी से जो था ओरिजिनल ऑब्जेक्ट रहता है, नया जनरेट होता है वो कॉपी से, लेकिन मूव में जो है ओरिजिनल वो वहां इरेज हो जाता है और नई जगह पे नया ऑब्जेक्ट बन जाता है, और उसको हम प्यार से मूव बोलते हैं। ठीक है, मूव इसको मैंने सिलेक्ट किया, जब भी कमांड देता हूं पूछते सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट मुझे एक विंडो बना देनी है, विंडो सिलेक्ट हो जाने के बाद मुझे एंटर दबाना है या राइट क्लिक करना है, ये कर दिया। अभी मैं उस पूछ रहा है कि कौन सी जगह से आपको निकलना है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्पेसिफाई बेस पॉइंट क्या है बताइए। तो मैं पहले पता हूं कि ये जो पॉइंट है यहाँ मिड पॉइंट ये लेता हूं, और इसको इसके ऊपर रखना चाहता हूं, तो एक के ऊपर दूसरा आ गया, तो मैं कोई भी चीज जिधर भी चाहूं मूव कर सकता हूं। अभी आप सोचे कि मुझे इसकी भी कॉपी बनानी है, तो इसकी कॉपी कैसे बनाएंगे, इसकी भी फिर से कॉपी बना देते हैं, यहां कॉपी कमांड, ये दोनों को सिलेक्ट करते हैं, एंटर दबाते हैं, इसके मिड पॉइंट पर कर रहे हैं, इसके एंड पॉइंट पर ले लेते हैं, तो ये नई पैटर्न हो गई। तो एक ये मेथड है कि जिससे हम अपना काम कर सकते हैं। अभी एक और कमांड भी है, लेकिन कॉपी कमांड की जो विशेषता है, आप एक ही कॉपी बना सकते हैं, ऐसा नहीं, आप चार पांच कॉपी भी बना सकते हैं। हम कॉपी पे प्रैक्टिस करते हैं, कॉपी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में सबको सिलेक्ट किया और एंटर दबाया, उनके बाद अभी मैं यहां से इनको सिलेक्ट करता हूं, एक दो तीन चार, काम करते करते वो तो बाहर चला गया, अभी क्या करूंगा, तो यहां जो हाथ है उसको पकड़ सकता हूं, ये पान का हाथ दिख रहा है, क्लिक कर सकता हूं, यहां से यहां खींच सकता हूं, और फिर मैं एस्केप कर सकता हूं, फिर से चालू हो गया अपना कमांड ना पांच। बाद में मैं यहां ये बटन दबाऊंगा पूरा स्क्रीन भर जाएगा। तो देखिए मैंने पहले सिंपल एक ट्राइंगल बनाया था, उनके बाद एक तीन पॉइंट से सर्कल बनाया था, एक टेंजेंट का सर्कल बनाया था, बाद मैंने ट्रिम किया था, उसके बाद मैंने हेज से पैटर्न किया था, उसके बाद एक कॉपी बना के दूसरे का कलर चेंज किया था, उसको अरेंज किया था, बाद में उसकी ऊपर कॉपी बनाई, साइड में कॉपी बनाई, तो एक पूरा का पूरा ऐसा बॉर्डर बनता जाएगा। और इसके बाद भी अगर आपको लगता है इसके बीच में जो जगह है यहाँ पे, इसमें भी मुझे अगर हेज करना है तो वो भी सुविधा है, यहाँ पे हेज दबाइए, ठीक है, सेटिंग पे जाइए, सेटिंग में जाने के बाद आप सॉलिड पे जाइए, रिडिफाइन के सॉलिड में, और वहाँ आप कोई कलर सिलेक्ट कीजिए, समझो कि मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और अपना भारत का सेफ्रॉन कलर ये जो है लगाता हूँ, ओके करके उसकी पिक पॉइंट, ठीक है, ये दो तीन चार,
तो आप इस हिसाब से जहां क्लोज बाउंड्री बनती है वहां ये लगा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आप जैसे संगीत में सारे गम पधनी सीख लेने के बाद पूरा संगीत निर्माण होता है, या इंग्लिश में एबीसीडी के 26 अक्षर सीखने के बाद हम पूरी भाषा इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक इसी तरह से सिंपल लाइन, सर्कल, आर्क, पॉलीलाइन, हैच, उनका कॉम्बिनेशन करके जो मॉडिफाई कमांड है, ये वाले जो कमांड थे वो क्या थे, ड्रॉ के कमांड, लेकिन मॉडिफाई के कमांड से काफी कुछ कर सकते हैं। समझ में आया? तो अभी मैं फिर से यहां आ जाता हूं चार पे, वो सबकी जरूरत नहीं, हो जिसको आता नहीं होता है उसका है, सर क्यों मिटा दिया, लेकिन ये आप आराम से इसकी पूरी दुनिया यहां से चंद्र तक बना सकते हैं, आप इसको चाहे तो कितने सारे बना सकते हैं। अभी और क्या कर सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। अभी समझिए कि मैं इनकी कॉपी इसके ऊपर रिवर्स स्टाइल में बनाना चाहता हूं उल्टी, तो उनके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो उनके लिए मुझे एक मिरर कमांड आता है, यहां मिरर, जब हम आईने में देखते हैं या सेल्फी लेते हैं तो उल्टा दिखता है, तो ठीक इसी तरह से यहां मिरर करना चाहे तो मिरर हो सकता है। तो मिरर कमांड दबाने के बाद वो पूछता है किसको मिरर करना चाहते हो। हमेशा याद रखिए ड्रॉ कमांड में कुछ ऐसा कभी नहीं आएगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, जब भी हम ड्रॉ कमांड देते हैं तब हमें कभी भी कोई चीज ऑटोकैड ऐसे नहीं पूछेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन जब भी मॉडिफाई में जाएंगे और इसमें जो पैनल में दिख रहे हैं कमांड है उसको यूज करेंगे तब हमें ऑटोकैड जरूर पूछेगा कि आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए क्योंकि हम मॉडिफाई करना चाहते हैं। तो मिरर में सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पूछा है, हम पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये सिलेक्ट किया, अभी कुछ सिलेक्ट करना है तो क्या नहीं करना है, तो हमने एंटर कर दिया। अभी पूछ रहा है आईना है उसलिए उसको एक लाइन चाहिए या कौन सी जगह हमें उसका प्रतिबिंब बनाओ। तो अभी आप बोले फर्स्ट पॉइंट, तो मैं बोलता हूं ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट कहाँ है तो इधर है, तो मैंने दो पॉइंट दिए तो उसने उसका मिरर बना दिया, ऊपर आप देख रहे हैं मिरर बना दिया, लेकिन नीचे पूछ रहा है कि इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, अगर मैं बोला कि ओरिजिनल को डिलीट कर दो तो ओरिजिनल डिलीट हो जाएगा और वो अपने वाला उल्टा हो जाएगा, तो मैं यस करता हूं तो ओरिजिनल डिलीट हो गया और ये वाला उल्टा बन गया। लेकिन अगर हमें ओरिजिनल को डिलीट नहीं करना है तो ध्यान रखना है कि यस नहीं करना है, यहां जैसे मैंने यस दबाया है यहां यस ये लिखा ना, ये वाई ये लिखना नहीं है। तो अभी फिर से मैं मिरर कमांड करता हूं और मिरर में एक लाइन अगर बनाई है तो आपको आसानी रहेगी, समझो कि मैं एक लाइन है ये आपको रेफरेंस के लिए बनाई है, जरूरी नहीं है, लेकिन ये लाइन के रेफरेंस में उसको मिरर करना है, मतलब उसका परछाया या प्रतिबिंब बनाना है। तो पहले मिरर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में हमें करना है, ये सब सिलेक्ट करना है, इसके बाद कीबोर्ड का एंटर दबाना है या माउस का राइट क्लिक करना है और पूछता है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, तो हम बोलेंगे ये पहला पॉइंट है तो ये दूसरा पॉइंट है, और पूछते हैं इरेस का इस बार हम नो दे रहे हैं, तो आप देखेंगे ये पूरा का पूरा पैटर्न यहां रह गया, ऊपर भी है नीचे भी है। तो मिरर कमांड से हम ये कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं दो को मिटा देता हूं, चलो मुझे दो का काम नहीं है, चलिए अभी दो को ही रखते हैं। अभी समझो कि मैं इनको 90 डिग्री पे यहां इसके बाजू में रखना चाहता हूं, तो कैसे करेंगे? तो उनके लिए भी एक कमांड है, आपको दो कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे, एक आपको पहले उसको घुमाना पड़ेगा और बाद में उसको मूव करना पड़ेगा। तो मैंने अभी तक आपको ये मूव कमांड दिखाया है, इसके बाद ये कॉपी कमांड दिखाया है, इनके बाजू का मिरर कमांड दिखाया है, लेकिन इसके ऊपर का जो कमांड है वो रोटेट कमांड है, जैसे आप अपना सेल्फी लेकर उसको घुमाते हैं, यहाँ जैसे दिख रहा है कि डाइनिंग टेबल ऐसे पड़ा था उसको ऊपर सीधा कर दिया, वो कैसे किया, तो ये रोटेट कमांड से, तो आपको ये रोटेट कमांड को क्लिक करना है, माउस से मैं क्लिक कर रहा हूँ क्लिक। तो अभी यहाँ भी पूछेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो अभी मुझे क्या करना है, सिर्फ इसको ही मिरर करना है, तो जिसको मिरर करना है उसी को विंडो में लेना है, ये ले लिया मैंने, और बाद में
खत्म हो गया तो मुझे राइट क्लिक या एंटर दबाना है, दबा दिया। अभी पूछे कि आप स्पेसिफाई कीजिए कौन से पॉइंट पे आपको रोटेट करना है, मैं बोलूँगा यहाँ पे और 90 डिग्री पे करना है, तो 90 डिग्री पे रोटेट हो गया। अभी मुझे उसको घुमा के यहाँ लाना है, इनके दोनों के टॉप को मिलाना है, तो फिर से मैं यहाँ मूव कमांड दबाऊंगा। मूव दबाने के बाद ये मैं पूरा सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्शन हो गया है तो मैं एंटर दबाऊंगा, ये पॉइंट क्लिक करूंगा और ये पॉइंट क्लिक करूंगा, तो इस हिसाब से मेरा या अभी समझो कि ये दोनों बन गए। ऐसे ही मुझे ऊपर भी बनाने हैं, कैसे काम करूंगा मैं, तो फिर से ये मिरर कमांड काम में आएगा। मिरर कमांड, इनको मिरर कर दीजिए, क्लिक किया, एक लाइन इधर है और दूसरी लाइन किधर रखनी है तो आपको रखना है एट द रेट 100 लेस देन 45। मैंने 45 वाला लाइन पे किया तो देखिए आप ये बन गया, जिसका भी मुझे प्रतिबिंब बनाना था वो प्रतिबिंब बन गया। तो मिरर कमांड से मैं किसी भी चीज को क्रिएट कर रहा हूं, और बाद में समझो इसका मैं बटन बना के कॉपी करना चाहूं तो इसको भी कॉपी कर सकता हूं मैं, कॉपी क्लिक यहां से ये, या इसके ऊपर भी जाना है, ऊपर भी जाओ, इधर भी जाओ, नीचे भी जाओ, तो इस हिसाब से हम पैटर्न बना सकते हैं। तो मैंने आप फिर से सोचिए मैंने कैसे शुरू किया, सिंपल ऑब्जेक्ट बनाया है लेकिन उसको मैं अभी कॉपी कर रहा हूं, उसको मिरर कर रहा हूं, इसको रोटेट कर रहा हूं, तो मुझे जो भी आकार चाहिए वो मिलता जाता है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको पूरा का पूरा ड्राइंग, पूरा रॉकेट का ड्राइंग बनाना है या पूरी कार का ड्राइंग बनाना है तो इसी हिसाब से आपको सिर्फ लाइन ही ड्रॉ करनी है, लाइन और आर्क, उसको ऐसे कॉम्बिनेशन से बनाते जाओ आपका ड्राइंग तैयार होता रहता है। और इसीलिए 15 मिनट में एक कार बनती है, मारुति की कैपेसिटी कितनी है तो 15 मिनट में एक कार रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनके हमारे लिए रेडी टू ड्राइव होती है। इतनी फास्ट तो हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो ड्राइंग की कितनी स्पीड चाहिए, तो वो स्पीड ऐसे नहीं आती, पहले हमको प्रैक्टिस करना पड़ता है। जैसे छोटा बच्चा होता है 2 महीने का, वो चल नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता, उसको गोदी में ही खिलाना पड़ता है, लेकिन जब वो 1 साल का होता है तो हम उसको चलना सिखाते हैं, उसको धीरे धीरे वॉकर देते हैं, वॉकर से चलने लगता है, बाद में वो दौड़ने लगता है और बाद में वो एकदम स्केटिंग भी करता है बड़े होने के बाद। ठीक इसी तरह से अभी आप वॉकर में हैं, ये सब देख के आपको लगेगा कि कैसे करूंगा, आप अभी वॉकर में चलने लगेंगे आपको आ जाएगा, लेकिन आपको चलना है, चलने के वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो फिर से मैं सबको मिटा दे रहा हूं, ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं, चलो इसकी भी मुझे जरूरत नहीं है। अभी मेरे पास एक ही चीज है, अभी ये जो 4 कमांड मैंने आपको सिखाए उसके बाद एक 5वां कमांड है वो मैं अभी आपको दिखाता हूं, वो है रेक्टेंगुलर एरे। लेकिन ये यहां बटन दबाता हूं तो 2-3 चीजें आती हैं, पाथ एरे, रेक्टेंगुलर एरे, पोलर एरे, लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं देखता हूं, यहां देखते हैं तो थोड़ा हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो इसके बदले बेटर यही है कि ये कमांड लाइन है वहां मैं ARRAY ऐसे लिखता हूं, एरे लिखता हूं और एंटर करता हूं। एरे से क्या होता है वो देखेंगे, बाद में पता चल जाएंगे। अभी तक हम जब कॉपी करते थे तो हमें ख्याल रखना पड़ता था कि कैसे कॉपी करें, लेकिन एरे करना है तो सिलेक्ट करने के बाद मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, एंटर कर लिया। अभी वो पूछता है कि आपको कौन सी चाहिए, रेक्टेंगुलर चाहिए, पाथ चाहिए या पोलर चाहिए, तो समझो मैं उनको बोलता हूं कि मुझे पोलर चाहिए, पोलर पोलर एरे, तो मुझे क्या करना है, एंटर करना है या यहां पोलर में क्लिक करना है। तो अभी पूछते हैं मुझे स्पेसिफाई पॉइंट ऑफ सेंटर पॉइंट ऑफ एरे, और तो मुझे स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट है तो मैं सेंटर पॉइंट कहां दिखाऊंगा, यहां दिखाऊंगा, बोलो भैया ये सेंटर पॉइंट। तब देखिए उसने पूरा का पूरा ऐसा एक पैटर्न बना ही दिया, सीधे सीधा पूछा भी नहीं मुझे, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए था। उसने क्या कर दिया, 6 ऑब्जेक्ट बना दिए और उसको पूरा उस सेंटर पे घुमा के बिठा दिया, लेकिन मुझे 6 नहीं चाहिए थे, मुझे कितने चाहिए थे, 4 चाहिए।
तो यहाँ आइटम्स हैं वहाँ क्लिक करूंगा और यहाँ 6 लिखा हुआ है वहाँ मैं 4 कर दूंगा और एंटर दबा दूंगा। ठीक है, और तो पिछली बार मैंने कॉपी किया था, बाद में रोटेट किया था, बाद में मिरर किया था, ऐसे बनाया था, तो मैंने सीधा यह है एरे करके ही 4 का बना दिया। उसमें 6 का भी बन सकता है, और आपको ताजुब होगा इसको 3 का भी बना सकता हूँ। मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ नंबर ऑफ एरेज जो आइटम यहाँ 4 लिखा है, यहाँ सीधा ऊपर एक पूरा बॉक्स आता है, देखिए इसमें 4 है, वहां मैं सीधा 3 कर सकता हूँ, तो 3 का भी बन जाएगा। ठीक है, अभी मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, एक बार मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, बाद में मुझे इसको पूरी पैटर्न को सिलेक्ट करना है और यहां जाके आइटम सिलेक्ट कर लेनी है, अपने आप हो जाएगा। अभी एक चीज और है, ये जो एरे मैंने बनाई, एरे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं सबको, एंटर दबाता हूं, और अभी मैं सिलेक्ट करता हूं यहां रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो आप देखिए ये पूरा पूरा उसने ऐसे बना दिया, मुझे चाहिए नहीं था ऐसा। पूरा पैटर्न बना रहा है एरे कमांड, क्या कर रहा है, आपको एक सेंटर के आसपास घुमा के पैटर्न बनाता है, या एक सेंट वाई डायरेक्शन में उसका डिस्टेंस पे उसकी कॉपी करके पैटर्न बनाता है। आप कभी कभी देखते हैं अपना शर्ट की डिजाइन है या पैंट की डिजाइन है या अलग अलग अपने लेडीज लोगों की साड़ी की डिजाइन है कैसे बनती है, तो एक ही पान बनाना होता है, और बाद में सब इसकी कॉपी ऐसे ही हो जाती है कंप्यूटर पे, और उसको बाद में सीधा मशीन में डाल के कलर के साथ मिक्स करके प्रिंटिंग चालू, इसीलिए सब सस्ता मिलता है। तो ये जो पैटर्न बनाया इसमें मैं अभी सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ दिखा रहा है कॉलम 4 रो 4, मुझे 4-4 नहीं चाहिए, मुझे 2-2 चाहिए, 2 चाहिए, ये भी 2 चाहिए, डिस्टेंस है 937 है, मुझे 937 नहीं चाहिए, मुझे अभी 900 का चाहिए। ठीक है, यहाँ भी मुझे 900 का चाहिए, और क्लोज है, तो ये बन गया मैं। तो इस तरह से हम इसको एडिट करते हैं, तो एरे कमांड ऐसे हो सकता है। ठीक है, मैं मानता हूं आप समझ रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर एरे उसमें एक्स वाई डायरेक्शन में आ रहा है, और पोलर एरे उसमें सेंटर पॉइंट के आसपास ये सब पैटर्न बन रहा है। और अभी एक प्रकार की एरे रह गई है, वो एरे अगर हमें बनानी है, तो मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, नया ड्रॉइंग शुरू करते हैं उसमें भी, क्योंकि थोड़ी आसानी रहेगी और फिर नया ऑब्जेक्ट भी मिलेगा। समझो कि आपने एक सर्कल बनाया है यहाँ पे 25 का, 25 का सर्कल है, उसको ऑफसेट किया है 10 पे, और बाद में आपने एक पॉली लाइन बनाई है इसके सेंटर से, ऐसे सीधे जाते हैं हम, तो 500 पे जा रहे हैं। इसके बाद मैं आर्क बनाता हूं ऐसे, और बाद में एंटर कर देता हूं। तो अभी आप ये देखिए कि मैंने जो शेप बनाया है ऐसा है। अभी मेरा कमांड कौन सा था, AWRY, इसमें मुझे इसकी एरिया करनी है, सिलेक्शन हो गया, एंटर दबा दिया, अभी मुझे देना है पाथ। तो पूछता है सिलेक्ट द पाथ कर्व, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, तो देखिए उसने पूरे रास्ते पे ऐसी फेंसिंग लगा दी। तो कभी कभी हमने रोड बनाया हुआ है, रोड पे ऐसा कुछ बनाना है, तो अपने आप वो एक ही पैटर्न का पोल लगा देंगे, आपको एक ही पोल की डिजाइन करनी है, बाद में वो अपने आप कर देंगे। और इसमें भी अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, कि डिस्टेंस यहाँ 105 का है, उसके बदले आप समझो कि आपको 200 का करना है, तब 200 का कर दीजिए, ठीक है, वो अपने आप आ जाएगा 200 का। जिस हिसाब से आपको पैटर्न सेट करने हैं उस हिसाब से वो पाथ के ऊपर, और ये समझो कि मैंने तो 2 ही लाइन का पाथ बनाया है,
समझो 25 लाइन का पाथ पूरा यहाँ से लेके गांधीधाम तक का बना है, तो उसी के ऊपर वो स्ट्रीट लाइट फिट कर देगा। तो 3D में भी ऐसे ही होता है कि आपने एक बार एक रोड बनाया है, एक पोल लगाया है, बाद में आपने एरे बना दिया, पूरे रास्ते पे वो स्ट्रीट लाइट फिट कर देगा, लगेगा बहुत बढ़िया होगा। तो बुर्ज खलीफा जैसा ऐसा टावर बनता है, तो रियल में बनता है, तो उसको कंप्यूटर में बनाने इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो ये मुझे समझाना था कि एक एरे कमांड है, ठीक है। तो ये मैंने अभी आपको बेसिक मॉडिफाई कमांड जो होते हैं इसमें से 4-5 कमांड समझाए हैं। एक है मूव, एक है कॉपी, इसके बाद है रोटेट, एक है मिरर, और इसके नीचे है स्केल। इनके सिवा जो जो भी कमांड है धीरे धीरे मैं एक के बाद एक आपको समझाता जाऊंगा। अभी यहाँ एरे कमांड और उसके जो पैटर्न थी उसके साथ मैं यहाँ इसको थोड़ी देर में स्टॉप करता हूँ, ताकि आपको मूवी देखने में आसानी रहे यूट्यूब में, कि मैंने कौन कौन से कमांड सिखाए थे, तो वही कमांड आपको याद रखने हैं और बाद में दूसरी वीडियो है वो दूसरी तरह से देख सकते। तो ये जो कमांड का जो पोर्शन था मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ और ये वीडियो यहाँ स्टॉप करता हूँ, और दूसरा जो कुछ है वो थोड़ी देर में फिर से चालू करता हूँ।